जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, जय माँ शेरावाली। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन अति उत्तम माना जाता है। हालांकि नवरात्र के हर दिन एक कन्या की पूजा करके नवमी तक 9 कन्या पूजन का फल आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप बताई गई तिथि को सभी कन्याओं का पूजन एक साथ कर सकते हैं। कन्याओं की जो संख्या है वो विषम यानी कि 1, 5, 7 और 9 संख्या होनी चाहिए। 3 से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन जरूर से कराना चाहिए। बालक को बटुक, भैरव और लंगूर के रूप में पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव को जरूर रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूर से करनी चाहिए। तभी अगर किसी शक्तिपीठ में माँ के दर्शन के बाद में आप भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो माँ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन या तो अष्टमी या तो नवमी को ही करना चाहिए। सप्तमी को कन्या पूजन करने का विधान नहीं होता है। हालांकि इस दिन आप कन्या की पूजन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को भी आपको कन्या पूजन करना ही होगा। नवरात्रि के बाद में अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन का ही ज़्यादा महत्व होता है। वहीं कई लोग अष्टमी या फिर नवमी की बजाय नवरात्रि के बीच में ही किसी भी दिन कन्या पूजन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन हमेशा ही नवरात्रि समाप्त होने के बाद में अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन ही करना चाहिए। नवरात्रि के बीच में ही कन्या पूजन कर देने से नवरात्रि पूजन और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। नवरात्रि के बीच में ही कन्या पूजन कर देना का जो मतलब है वो यही बनता है कि आपने नवरात्रि समाप्त होने से पहले ही माता की विदाई कर दी है। इसलिए कन्या पूजन हमेशा ही अष्टमी या फिर नवमी के दिन ही आपको करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2-3 साल से लेकर के 10 वर्ष की उम्र की कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक आपको आमंत्रित करना चाहिए। कन्याओं का घर में प्रवेश करते ही उन्हें बैठने के लिए उचित आसन प्रदान करें। इसके बाद में दूध, गंगा जल या फिर साफ जल से भरे थाल में उनके पैरों को धोएं। अब कन्याओं के माथे पर कुमकुम लगाएं, फिर उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद में उन्हें दक्षिणा या फिर उपहार भी जरूर से दें और इसके बाद में उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। नवरात्र भोजन कराने के साथ में कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है और ये माना जाता है कि नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ में घर पर बुलाना चाहिए। इन्हें सम्मान के साथ में भोजन करा करके इन्हें कुछ चीज़ें भेंट में अवश्य ही देनी चाहिए। तो चलिए आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऐसी ही 5 ज़रूरी चीज़ों के बारे में जिनको कि कन्या को देने से भगवती आप पर प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप जानेंगे उन 2 चीज़ों के बारे में भी जिनको कि आपको कन्याओं को विदा करते समय अवश्य ही उनको देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि जब आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो कौन सी 3 चीज़ें जो कि आपको उनको भोजन में नहीं खिलानी चाहिए। नवरात्र का कन्या भोज कराने में कन्याओं को कम से कम 1 मौसमी फल आपको ज़रूर से देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको और आपके अच्छे कर्मों का जो फल है वो कई गुना आपको वापस होकर के प्राप्त होता है। और फलों में सबसे जो शुभ है वो केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि जो केला है वो विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी कि श्री फल माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। कन्या भोज को कराने के लिए आपको कम से कम 1 मिठाई को भी शामिल करना चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल ना कर पाएं तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी आप माता का भोग लगा करके कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी इससे प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद में भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी आपको उपहार में देनी चाहिए। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता को आप अर्पित करें और उसके बाद में छोटी छोटी कन्याओं में बांट दें। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ये ली गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब आप विदा करते हैं या जब उनकी विदाई करते हैं, जब वो आपके घर से भोज करके जा रही होती हैं तो विदाई में उनको कोचा ज़रूर से दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है।
मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज अगर कर रहे हैं तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ में थोड़ा सा चावल और जीरा भी जरूर से देना चाहिए, इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ पैसे रुपए भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए आपको देने चाहिए। वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए। माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, मालपुआ, चना ये सब बहुत प्रिय हैं, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी खिलाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि उनके लिए बनाए खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो और खाने में कभी भी मशरूम और प्याज के पत्ते की सब्जी भी ना बनाएं, क्योंकि इसको भी तामसिक की श्रेणी में ही माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा और व्रत सफल हो जाए तो कन्याओं को बिना प्याज और लहसुन से बनी सब्जी का ही भोग लगाएं और उनको यही खाना आप खिलाएं। बिना लहसुन और प्याज से बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्या भोज सफल और नवरात्र के व्रत का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, जय माँ शेरावाली।